नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वेणुधर रौतिया, आप सभी का लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप अभी 9 बजे एग्जामिनेशन हो रही है, यानी कि होने वाली है, हम कह सकते हैं कि बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है UGC नेट की। उसके बाद में दूसरे पाली में 2 बजे से स्टार्ट होगी, 2 से 5, 9 से 12 और 2 से 5 एग्जामिनेशन है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जो है इस जो UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो इवनिंग पाली में यानी कि दोपहर के समय में एग्जाम देने वाले हैं या कल परसों जो एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी मैं यहां पर दे रहा हूं, ताकि इसको भी आप लोग जो है देख लीजिएगा। यह हायर एजुकेशन, यहां पर यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको जो है थोड़ा सा जनरल स्टडी के रूप में याद कर लीजिएगा। मैं MHRD डिपार्टमेंट के वेबसाइट में आया हूँ, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जिसको रूसा कहते हैं, इसके बारे में भी आप लोग जो है जान लीजिएगा। उसके बाद में नेशनल इनिशिएटिव फॉर डिजाइन इनोवेशन भी होता है, नेशनल रिसर्च प्रोफेशनलशिप NRP, इस्टेब्लिश ऑफ न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश, देखिए यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस्टेब्लिश ऑफ 14 वर्ल्ड क्लास सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर 14 विश्व लेवल के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित किया जाना है। यहाँ पर देखिए 374 डिग्री कॉलेज जो है, जो EWD यानी कि एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, तो 374 डिग्री कॉलेज भी स्थापित किया जा रहा है, सेटअप में है। स्कीम फॉर इंसेंटिविटी स्टेट गवर्नमेंट फॉर एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल सेक्टर इन्वेस्ट सब्सिडी स्कीम 2009, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2009 को याद कर लीजिएगा। मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम आप IBA के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ गर्ल्स हॉस्टल सपोर्टिंग द अनकवर्ड स्टेट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, एडिशनल असिस्टेंट अबाउट 160 ऑलरेडी कवर्ड यूनिवर्सिटी एंड अबाउट 5,500 कॉलेज, इसको भी आपको जो है हमेशा देख लेना है। दोस्तों, यहाँ पर हमने जो है कुछ सर्च किया हुआ है, देखिए यहाँ पर ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। रूसा के बारे में जो है, यहाँ पर जो है 2013 में रूसा को जो स्थापित किया गया है, ये एक बात याद रखिएगा। और सेंट्रल और गवर्नमेंट की जो फंड होता है वो 60 और 40 का होता है, और स्पेशल कैटेगरी के जो स्टेट होते हैं वहाँ पर 90 और 10 का होता है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। अभी हमने आपको बता रहे थे कि जैसे नेशनल इनिशिएटिव फॉर डिजाइन को देखेंगे तो यहाँ पर भी इसको भी देख लीजिएगा, ये नेशनल इनिशिएटिव फॉर डिजाइन इनोवेशन को, इसको आपको देखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर सेटअप डिजाइन इनोवेटिव सेंटर, ओपन डिजाइन स्कूल, नेशनल डिजाइन इनोवेटिव नेटवर्क, इसको भी आपको जो है एक बार देख लेना है, ठीक है। ये कंपोजिशन ऑफ प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड PAB भी बनाया गया है, ये जो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड है जो आपके कोई भी प्रोजेक्ट को जो है अप्रूवल करता है, इसके बारे में भी जो है आपको पूरी तरह से जान लेना है। ये डिस्टेंस लर्निंग में जो है ढेर सारे क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्टेंस लर्निंग में, तो यहाँ पर देखिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम इज ए सिस्टम वेयर इन टीचर्स एंड लर्नर, यहाँ पर टीचर और लर्नर यानी शिक्षक और जो शिक्षार्थी हैं, नीड नॉट नेसेसरी बी प्रेजेंट आइदर एट सेम प्लेस, तो आपको याद रखना डिस्टेंस लर्निंग जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होता है उसमें ना तो टीचर और स्टूडेंट को एक जगह पर उपस्थित होना पड़ता है, इसकी जरूरत नहीं है। सेम टाइम एंड इज फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल इज रिगार्ड टू मोडलाइट्स एंड टाइमिंग ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एज आल्सो द एडमिशन क्राइटेरिया विदाउट कंप्रोमाइज, यहाँ पर जो है कॉम्प्रोमाइजिंग नेसेसरी क्वालिटी कंसिडरेशन, यहाँ पर जो है आपको इसको भी देख लेना है। जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी ऑफरिंग एजुकेशन एंड इंक्लूड्स, ये कॉर्पोरेंस कोर्स इंस्टीट्यूशन है, CCIS है, तो इस तरह से आपको जो है एक एक बात को देख लेना है। ये इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में भी आपको जो है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को जरूर देखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर साक्षात को जरूर देख लीजिएगा, साक्षात ये वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल है,
ए वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल, ये पायलट प्रोजेक्ट है, साक्षात का नाम एक पायलट प्रोजेक्ट का नाम है। ए वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है 30 अक्टूबर 2006 को, और किसके द्वारा किया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टू फैसिलेट लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर स्टूडेंट, यानी कि जीवन पर्यंत स्टूडेंट जो है पढ़ते रहने के लिए जो है ये साक्षात जो पायलट प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। स्टूडेंट टीचर एंड दोस्त इन इम्प्लॉयमेंट आर इन परस्यूट ऑफ नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट टू देम, यानी कि टोटल फ्री में पढ़ाया जाता है, ठीक है। टीचर इसमें भाग लेता है, स्टूडेंट भाग लेता है, इम्प्लॉयमेंट जो नौकरी कर रहा है वो, या जो नॉलेज को परस्यूट करना चाहता है वो भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमेशा इसको पढ़ते रहेगा। द कंटिनेंट डेवलपमेंट टास्क ऑफ साक्षात वाज लुक्ड आफ्टर बाई द कॉन्टेंट एडवाइजरी कमेटी CAC, CAC को जरूर याद कर लीजिएगा, कॉन्टेंट एडवाइजरी कमेटी फॉर द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट विद कंसिस्टेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाइक इग्नो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT जिसको बोलते हो, ये सभी लोग जो है इस पर जो है काम कर रहे हैं, इसको भी आप लोग जो है देख लेना है। यहाँ पर जो है कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, ये इसको भी देख लीजिए, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, यहाँ पर COL, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग वॉज इस्टेब्लिश थ्रो ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज इन द ईयर 1988। याद रखिएगा 1988 में जितने भी कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट है, कॉमनवेल्थ में यानी कि ब्रिटिश कॉलोनियन के अधीन में जितने भी देश थे, जैसे उदाहरण के रूप में बता दें आपको, ब्रिटेन के अधीन में ऑस्ट्रेलिया भी रहा है, कनाडा भी रहा है, भारत भी रहा है, ये जितने भी देश हैं कॉमनवेल्थ कंट्री है जिसको कॉमनवेल्थ गेम में भाग लेते हैं, तो सारे लोगों ने जो है ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग किए हैं, समझौता किए हुए हैं कि द कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट टू एनकरेज द डेवलपमेंट एंड शेयरिंग द ओपन लर्निंग डिस्टेंस एजुकेशन नॉलेज रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी सुएल टू हेल्पिंग डेवलपिंग नेशंस इम्प्रूव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यानी कि भारत के जो स्टूडेंट हैं वो विदेश में जो कॉमनवेल्थ कंट्री में वहाँ पर जाकर जो है, चाहे वो डिस्टेंस कोर्स हो, चाहे वो लर्निंग का प्रोग्राम हो, चाहे वो रिसर्च का प्रोग्राम हो, वो फ्री एंड कॉस्ट में जो है दोनों के बीच में समझौता हुआ है कि हमारा स्टूडेंट आपके देश में जाकर पढ़ेंगे, आपका स्टूडेंट जो है हमारे देश में आकर पढ़ेंगे, इसी तरह से समझौता हुआ है दोस्तों। हेडक्वार्टर इन, यहाँ पर देखिए ये COL का जो हेडक्वार्टर है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। ये वैंकूवर कनाडा, COL इज द वर्ल्ड ओनली इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड सोली टू प्रोमोटिंग एंड डिलीवरिंग डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन लर्निंग। यहाँ पर याद रखिएगा कनाडा में है ये, वैंकूवर में जो है, ठीक है। ये वॉलेंटरी फंडेड बाई द कॉमनवेल्थ कंट्री एंड इंडिया इज थर्ड मेजर डोनर। देखिए यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इंडिया इज द थर्ड मेजर डोनर आफ्टर यूनाइटेड किंगडम एंड कनाडा। देखिए सबसे पहला जो डोनर है वो यूनाइटेड किंगडम है, UK है, फिर उसके बाद में कनाडा आता है, फिर तीसरे नंबर में इंडिया आता है। इंडिया इज रिप्रेजेंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ COL, यानी कि इंडिया जो है रिप्रेजेंट करता है बोर्ड ऑफ गवर्नर में और एग्जीक्यूटिव कमेटी में, तो इसके आपको जो है हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। COL हैज फोकस्ड इट्स अटेंशन टू एक्टिविटीज इन द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस। तो ये चीजें जो है आपको ऐसा याद करोगे तो स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी कितने हैं आप यहाँ पर देख लेंगे, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर स्टेट यूनिवर्सिटी जो है, ओपन यूनिवर्सिटी जो है, जो मान्यता प्राप्त है वो है टोटल अभी तक जो है, इसी में से ही प्रश्न पूछा जाता है, 13 है, 13 है, तो इसको आपको जो है याद कर लेना है दोस्तों। अभी वर्तमान में जो स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद में पहली बार खुला था, फिर उसके बाद में वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी राजस्थान है, हैं, और उसके बाद में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, यहाँ पर यस वांत्रो चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी है,
मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में है, कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है, नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी है, यूपी राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है, तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ में है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ये हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में है। तो इस तरह से जो लास्ट है वो कृष्णकांत हेडिंग स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी गुवाहाटी में है, कृष्णकांत के नाम से। ये 13 नंबर का आपका जो है ये ओपन यूनिवर्सिटी है, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है। यदि मान लीजिए हम देखें इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये इसकी जो स्थापना 1985 में हुई थी, ठीक है, पार्लियामेंट ने इसको जो है ड्यूअल रेस्पॉन्सिबिलिटी माना गया था, क्या है के लिए, एनहेंसिंग एक्सेस एंड क्वालिटी टू हायर एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस मोड, ठीक है, और दूसरा प्रोमोटिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड्स इन द ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम। तो आपको जो है 1985 को याद करना है, ये जो पार्लियामेंट जो है ड्यूअल रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है ये चीज़ों को जो है क्वालिटी हायर एजुकेशन को और इनहेंसिंग एक्सेस को जो है, और दूसरा प्रोमोटिंग और कोऑर्डिनेटिंग और डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड्स इन द ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम को जो है, तो आपको इसको भी याद कर लेना है दोस्तों। तो इसी तरह से आपको जो है याद करना चाहिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेज को भी याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको जो है देखिए यहाँ पर टीचर्स डे सेलिब्रेटेड 5 सितंबर, यहाँ पर जो है इन इंडिया 5 सितंबर को हम लोग हर साल मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम से फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। द वर्ल्ड टीचर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 अक्टूबर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 5 सितंबर को हम लोग जो है अपने देश में शिक्षक दिवस मनाते हैं, लेकिन शिक्षक दिवस जो है इंटरनेशनल लेवल में पूरे वर्ल्ड में 5 अक्टूबर को मनाते हैं, यानी कि 1 महीने बाद। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कन्फर्मिंग द नेशनल अवार्ड टू टीचर 5 सितंबर 2014 से स्टार्ट किया गया है। प्रेसिडेंट ने जो है ये भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो नेशनल अवार्ड टीचर के लिए जो नेशनल अवार्ड 5 सितंबर 1914 को जो है ये घोषणा की। पीएम ऑनरेबल पीएम स्पीच ऑन टीचर डे 5 सितंबर को 2014 को जो है पहली बार पीएम ने भी जो है संबोधित किया, और ऑनरेबल पीएम इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट ऑन द ओकेशन ऑफ टीचर डे 5 सितंबर 2014 को ही जो है ये देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल लिटरेसी डे एवरी ईयर 8 सितंबर को मनाया जाता है, 3 दिन बाद जो है ये लिटरेसी डे जो यानी कि साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है, 8 सितंबर को, यानी कि 5 सितंबर के बाद में 3 दिन बाद जो है हम लोग जो है ये मनाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द ओकेशन ऑफ इंटरनेशनल लिटरेसी डे में कुछ बोले होंगे। इंडिया सेलिब्रेट द नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाते हैं, यहाँ पर इंडिया सेलिब्रेट नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय आपका जो है शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर को मनाता है, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस किसके नाम पर, अब्दुल मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के बर्थडे, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के बर्थडे के दिन जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है ये नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। फिर यहाँ पर चिल्ड्रंस डे जो मनाया जाता है 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के याद में, उनके बर्थडे के याद में, ये यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 20 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि 6 दिन बाद। 14 नवंबर को हमारे भारत में मनाया जाता है चिल्ड्रन डे, लेकिन 20 नवंबर को जो है पूरे वर्ल्ड के लोग जो है मनाते हैं बाल दिवस। तो ये थी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और याद रखिएगा यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मैं ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ, इसी में से देख लीजिएगा प्रश्न आएगा किसी न किसी एग्जाम में। हम यहाँ पर विदाई लेते हैं, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।